हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझते हैं सॉवरेनिटी को। ये पॉलिटिकल थ्योरी का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। सॉवरेनिटी हिंदी में बोलेंगे इसको संप्रभुता। बहुत सारी चीज़ जो होती हैं वो उसके क्वेश्चन में ही छुपी होती हैं। संप्रभुता, प्रभु, ईश्वर, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है। तो सॉवरेनिटी क्या है, संप्रभुता? देखिए, ये जो स्टेट है, स्टेट के चार एलिमेंट्स हैं जिससे स्टेट बनता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, पर मैं शॉर्ट में आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहला होता है टेरिटरी, जनपद। दूसरा होता है पीपल, लोग होंगे तभी तो मतलब एक फिक्स टेरिटरी, उसमें रहने वाले लोग, उनकी लोगों की द्वारा बनाई गई सरकार। और सरकार क्या हो, वो संप्रभु हो सरकार, मतलब वो अपने देश के फैसले लेने के लिए किसी बाह्य शक्ति के प्रति जवाबदेह ना हो के वो जवाबदेह किसके प्रति होगी, देश की जनता के प्रति, जिन्होंने उस सरकार को चुन के बनाया है। ये है सॉवरेनिटी का मतलब। मतलब जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल किसके प्रति है, देश के नागरिकों के प्रति वो अकाउंटेबल होती है, ना कि किसी एक्सटर्नल फोर्स के प्रति अकाउंटेबल होती है। ये इसका एक कंसेप्ट है। ये जो कंसेप्ट है सॉवरेनिटी का, ये जीन बौदा ने, उन्होंने इसको मॉडर्न टाइम्स में बहुत प्रोपगेट किया, इस पर काफ़ी उन्होंने काम किया। उसके बाद आते हैं होप्स। होप्स जो बात करते हैं, होप्स कहते हैं कि जैसे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थिंकर हैं, और उन्होंने कहा है, उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो जो जनरल विल है वो सोवरन, और सोवरनिटी लाइज इन द सोवरन। इम्पोर्टेंस किसकी है, सोवरन की। वही उसी में सोवरनिटी समाई हुई है, और वो अपने ही प्रति जवाबदेह है, क्योंकि लोगों ने जो इच्छा है अपनी वो उसको सौंप दी है। राइट, मतलब वो व्यक्ति जो चाहे वो फैसला वो कर सकता है, एब्सोल्यूट। राइट, इसके बाद आते हैं रूसो। रूसो क्या है, बिल्कुल एकदम से उलट, वो जनता के हित की बात करते हैं। सॉवरेनिटी किस में है, वो जनरल विल, और जनरल विल क्या है, जनता जो चाहती है, जो सोचती है। तो मतलब जो सॉवरन है वो किसके प्रति जवाबदेह है, अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पीपल। जैसे कि आज के समय में हम सॉवरेनिटी को इसी तरीके से परिभाषित करते हैं, करेक्ट। अब आते हैं फिर लोक। इसको हम थोड़ा थोड़ा सा जो थिंकर्स ने बताया उसको भी थोड़ा सा हम समझ रहे हैं। लोक क्या बात करते हैं, लोक बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के अंदर डिवीजन ऑफ पावर है, लेजिस्लेचर का अलग काम है, एग्जीक्यूटिव का अलग काम है, फेडरल सिस्टम। उन्होंने इस तरह से बातें करी हैं, मतलब सॉवरेनिटी जनता के पास है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अप्लाई होती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, और वो लिमिटेड है, अकॉर्डिंग टू द लॉज वो काम करती है। होब्स ने और रूसो ने अनलिमिटेड सॉवरनिटी एक तरह से दी है, उसने सॉवरन को दी है और उन्होंने जनरल विल जनता को दी है। लोक ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको परिभाषित करा है, करेक्ट है। अब आते हैं फिर हीगल। हीगल जो है वो एक तरह से जैसे हमारे यहाँ के जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, तो हम लोग जो स्टेट का ओरिजिन मानते हैं वो देवीय, डिवाइन ओरिजिन, दैवीय मानते हैं उसको। कुछ कुछ होब्स ने भी उसको एक तरह से मिस्टिसिज्म प्रदान किया है, कि मतलब ईश्वर का एक तरीके से जो राज्य है वो ईश्वर ने प्रदान किया है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। मतलब ईश्वर का एक रूप है जो राज्य है, है ना। तो उन्होंने इस तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी है। उन्होंने सरकार को, स्टेट को ज़्यादा मान्यता दी है, लेकिन वो इसके साथ में ये भी कहते हैं कि जो डिसीजंस हो सरकार के वो रेशनल हों, इक्वेलिटी होनी चाहिए। उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंस दी है। कुछ कुछ आज हम सोच समझ भी सकते हैं कि राज्य इम्पोर्टेंट है, लेकिन राज्य जो है वो जनता से चलता है। इन्होंने जनता को राज्य के नीचे रखा है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि राज्य चाहेगा तो वो जनता की जो फ्रीडम है वो कितनी भी इंक्रीज़ कर सकता है या कितनी भी घटा सकता है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। राइट, तो देखिए ये है सॉवरेनिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, ये तो हमने छोटा छोटा सा इसको समझ लिया है। सॉवरेनिटी कितने टाइप्स की होती है इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। और इसके साथ में सॉवरेनिटी जो है वो ऑस्टिन ने सॉवरेनिटी को किस तरीके से परिभाषित किया है इसको हम ऐसे भी समझेंगे। थोड़ा सा और इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि जो सॉवरेनिटी है वो, जैसे कि आज के समय में आप समझ लीजिए जनता में तो है, क्योंकि 5 साल के बाद सरकार को जनता के बीच में जाना है। राइट, लेकिन बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने किसी देश के साथ में कोई समझौता किया, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, राइट, तो वहाँ पे भी सॉवरेनिटी देखी जाएगी। जनता के प्रति जवाबदेह तो है, लेकिन सरकार उस संस्था या उस देश के प्रति भी जवाबदेह हो जाती है। तो ये जो कंसेप्ट है सॉवरेनिटी का, ये थोड़ा सा मतलब इसको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझने की ज़रूरत है, कि सरकार अल्टीमेटली, वो जो हैंस मॉर्गन था वो कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट, और वही है सॉवरेनिटी। Thank you so much for watching and take care.